चलिए समझते हैं आज ये ऊन जो मार्केट में मिलते हैं, जिसे आप खरीद कर स्वेटर बुनते हैं, ये ऊन प्राप्त कहाँ से होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ऊन भेड़, बकरी, याक और कुछ एनिमल्स से प्राप्त किए जाते हैं। और ऊन प्रदान करने वाले ये एनिमल्स बालों से ढके हुए होते हैं। इनके इन बालों की अच्छी खासी मोटी परत होती है, जो इन्हें ठंडे मौसम में भी गर्म रखते हैं। और ये ऊन इन्हीं के रोएदार रेशों से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब इनके शरीर में जो फाइबर्स है इन्हीं से ये ऊन बनाए जाते हैं। भेड़ों के स्किन पर दो तरह के रेशे पाए जाते हैं, जिसमें पहला दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरा इनके स्किन में उपस्थित मुलायम बाल। और इनके स्किन के इन्हीं मुलायमदार बालों मतलब रेशों से ऊन बनाई जाती है। हालांकि भेड़ों में कुछ ऐसे नस्ल भी है जिनमें सिर्फ मुलायम बाल ही पाए जाते हैं, इसलिए इन मुलायमदार बालों वाले भेड़ों के पेरेंट्स मतलब इनके जनकों को चूज किया जाता है, ताकि उनके द्वारा क्रॉस ब्रीड करा के सिर्फ मुलायम बाल देने वाले भेड़ों को ही पैदा किया जा सके। और इन मुलायम बाल वाले भेड़ों के पेरेंट्स को चयन करने के प्रोसेस को सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं।